नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ड्यूरिजन ब्रीफ वगैरह में काम आ सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडिया के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सेंसस 2011, भारत में सेंसस बोले तो जनगणना, भारत में जो जनगणना लेटेस्ट में हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो 2011 के हिसाब से भारत की जो आबादी है वो कितना है, 121 करोड़। ये नंबर याद रखिएगा। आबादी के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर 100% एरिया है तो भारत के पास उसमें से सिर्फ 2.41% एरिया है, और दुनिया की आबादी अगर 100% है तो उसमें से जो भारत की आबादी है 17.5% है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि हमारे पास कितनी कम ज़मीन है और कितनी ज़्यादा आबादी है। हमारी जो डेंसिटी आबादी की वो है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, वन किलोमीटर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। इतने ही एरिया में भारत में 382 लोग रहते हैं, 382 पर्सन लिव इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। भारत का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अनइवन है। अनइवन बोले तो कहीं पे आबादी बहुत ज़्यादा है और कहीं पे आबादी बहुत कम है। जैसे महानगरों में देख लो, बम्बई, पुणे, लखनऊ, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको आबादी मिल जाएगी, ठीक है। फिर एरिया वाइज अगर एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत दुनिया में सातवें नंबर पे। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया, उसके बाद कौन सा है, कैनेडा, देन USA, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। भारत की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया फिजियोग्राफी, कि किस प्रकार का ज़मीन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, हिल्स है, कोस्टल एरियाज है, उस पे डिपेंड करता है, और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, जलवायु पे। चलिए आते हैं अभी ब्राज़ील पे। तो ब्राज़ील का जो जनगणना हुआ था 2010 में हुआ था, उसकी आबादी है 19 करोड़। कितनी, 19 करोड़, हमारी कितनी है, 121, ठीक है, तो 102 करोड़ ज़्यादा है। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हम दूसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा आबादी में, और ब्राज़ील पांचवें नंबर पर है। और एक बात है कि एरिया के हिसाब से भी ब्राज़ील पांचवें नंबर पर है, ब्राज़ील के पास कितनी ज़मीन है, 5.6% ज़मीन है, और उसकी आबादी कितनी है, 2.78%। सोच लीजिए कितनी ज़मीन उसके पास खाली बची है। डेंसिटी पे आते हैं तो उसके पास 23 डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 23 लोग रहते हैं। कितने, 23। अगेन जैसे भारत का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वैसे ब्राज़ील का भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अब ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लाया होता है, उस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे आबादी वाला देश बोले तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के ज़्यादातर लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वीय तटीय प्रदेश के 300 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, इसलिए आप कोस्टल प्लेन में ज़्यादा आप आबादी देखोगे, और सेंटर पार्ट में ब्राज़ील के और नदन पार्ट में आबादी बहुत कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हाईलैंड इज ब्राज़ील इज मॉडरेट। चलिए आगे, फिर सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात, ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा। लिंग अनुपात कितनी फीमेल्स हैं हर 1000 मेल्स के लिए, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो फिल इन द ब्लैंक्स बन के भी आता है, 1000 आएगा, क्या आएगा वगैरह। फिर आते एज एंड सेक्स पिरामिड, इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं, आयु और लिंग पिरामिड, इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड से क्या फ़ायदा है, कि इससे हमको हमारे देश के पॉपुलेशन का कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं, कितने बूढ़े हैं, अलॉन्ग विद दी जेंडर हमें पता चल जाता है। एज एंड सेक्स पिरामिड से वी कैन गेट टू नो अबाउट दी नंबर ऑफ चाइल्ड्स, यंग पीपल, ओल्ड पीपल विद देयर जेंडर्स। भारत में बच्चों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम लेटेस्ट में जो सेंसस की बात करें उसके हिसाब से, अगर लेटेस्ट के सेंसस की बात करें तो भारत में बच्चों की आबादी ज़्यादा है, और ब्राज़ील में 80 साल से ऊपर की आबादी
ज़्यादा है, मतलब ब्राज़ील की आबादी जो है वो बूढ़ी हो रही है और भारत की जो आबादी में ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल, तो ब्राज़ील की जो आबादी है वो काफ़ी ओल्डर हो रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में औसत जीवन प्रत्याशा, इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है, तो आपको लिखना है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मीन्स एक व्यक्ति अगर उस देश में जन्म लेता है तो औसतन वो कितनी आयु तक जिएगा उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो भारत में लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल है, 68 ईयर्स, और ब्राज़ील में 75 साल है। ये डाटा यूज़ होता है इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, इन कंपनीज़ को ये डाटा काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो भारत में औसतन 68 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ब्राज़ील में 75 ईयर्स है। भारत में 1960 तक 41 ईयर्स था। चलिए, ये सेंसस जो होता है जनगणना, तो भारत में कौन सी संस्था करवाती है सेंसस ऑफ इंडिया, ब्राज़ील में कौन सी संस्था कराती है IBGE, ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब IBGE कहाँ से आ गया, तो ये ब्राज़ीलियन फुल फॉर्म है, तो आप उतना ज़रूरी नहीं, खाली आप IBGE याद रखिए। हर 10 साल में होता है, चाहे ब्राज़ील हो चाहे इंडिया में, हर 10 साल में जनगणना होती है, इसलिए इसको डेसिसिनियल बोलते हैं, DECE NNIAL, डेसिसिनियल। भारत और ब्राज़ील दोनों में जो पहला सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, 1872 में। उसके बाद भारत में जो सेंसस होता है वो डिकेड दशक के शुरुआत में होता है, 2011, अब कब होने वाला है 2021 में, और ब्राज़ील में होता है दशक के अंत में, मतलब 2010 में हुआ था, तो अब 2020 में होने वाला है उनका, तो नेक्स्ट उनका 2020 में होगा। वीडियो देखा, बहुत 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 आपका धन्यवाद। जय हिंद।